आज स्टार्ट करते हैं। आज हम संख्या पद्धति के भी क्वेश्चन जगह जगह पूछ जाते हैं। इसकी जरूरत भी बहुत पड़ती है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस संख्या की खोज हुई उसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं? एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट, अनंत, जिसकी शुरुआत एक से होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी आती है, इसके बाद में तुरंत आता है पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। उसमें सिर्फ एक जीरो और बढ़ जाता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगला आता है पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर। एक नाम इसका और होता है, आई से भी प्रदर्शित करते हैं और जेड से भी। जेड है जेहलीन, जर्मन शब्द है ये, जिसका मतलब होता है गिनना। तो ये देखिए, इंटीजर में नेगेटिव भी होंगी और पॉजिटिव भी होंगी, और जीरो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इसी को हम इंटीजर पूर्णांक भी कहते हैं। और इसको जेहलीन, जेट से भी बोलते, कभी जेहलीन नहीं है, जेट से प्रदर्शित कहीं कर दिया जाए तो आप ये चक्कर मत पड़ना कि जेट से क्यों किया गया है। जेट का मतलब होता है जेहलीन, जेहलीन का मतलब होता है गिनना। अगला पॉइंट आता है सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर, इसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अगला आता है विषम संख्या, ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, विषम संख्या से बोलते हैं। उसके आती है भाज्य संख्या, जिसमें स्वयं और एक का छोड़कर तीसरे किसी का भी भाग चला जाए। ये 4 है, 4 में एक का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, परंतु 2 का भी और जाएगा। 9 है, एक का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, परंतु उसमें 3 का भी चला जाएगा। 12 है, एक का 12 का जाएगा, लेकिन उसमें 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। तो मतलब क्या है भाज्य संख्या का? अपना स्वयं और एक को छोड़कर बाकी कम से कम एक संख्या का भाग चला जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सब अब भाज्य संख्या कहां से आएगी? 2, 3, 4 से, 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका एक नाम और होता है अभाज्य संख्या का, रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या, जिसमें अब खुद की संख्या और एक के अलावा किसी और का भाग ना जाए।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, इस प्रकार से आपको लिख के देखनी चाहिए। एक से सौ तक, एक से सौ तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, संख्या होती है, आप लिख के देख सकते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, वह संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें और क्यू बराबर ना हो जीरो, क्यू बराबर क्या ना हो, जीरो ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या की बात सुनिएगा, परिमेय संख्या इसी में बात को बहुत अच्छी तरह सुनिए, परिमेय संख्या शांत दशमलव भी होती हैं और अशांत दशमलव भी होती हैं। परिमेय संख्या शांत दशमलव भी होती हैं और अशांत होती हैं। ये शांत भी होती हैं, शांत दशमलव और अशांत भी होती हैं, अशांत दशमलव। आपने कहा शांत और अशांत का मतलब क्या है, शांत दशमलव वो होता है जैसे एक बटे दो है, ये पॉइंट पांच हो गया, जो पी अपॉन क्यू के रूप में भी है, पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू है, तो देखो, और वैसे भी देखो ये कैसा है, शांत दशमलव, पूरा पूरा भाग चला गया, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन एक बटे तीन है, ये अशांत दशमलव है। आपने कैसे अशांत है, ये क्या अशांति फैला रहा है, मैंने कहा यह अशांति फैला रहा है कि भाग करो तो पॉइंट तीन 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 आता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये भी क्या है, परिमेय है, लेकिन इसकी विशेषता है अशांत हो परंतु क्या हो, जिसकी पूर्णावृत्ति हो रही हो, रिपीट कर रहा हो, रिपीट। बार बार आ रहा हो, ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग आ रहा हो। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, 22 बटे 7 कैसी संख्या है, परिमेय, ये परिमेय है परंतु पाई अपरिमेय है, क्योंकि पाई ये तो लिख लिया गया है कि 3.14 लगभग उससे मिलता है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में, लेकिन पाई की वास्तविक जो वैल्यू होती है उसमें अलग अलग अंक आते हैं, तो पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय हो गई, परिमेय में क्या होता है, शांत दशमलव भी और अशांत दशमलव भी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर कई जगह क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दशमलव में दे दिया और कह दिया कि इसे आप भिन्न में बदलें पी अपॉन क्यू के रूप में, अभी उसकी बात करते हैं। बस दो पॉइंट और देखें आप, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो परिमेय ना हो, क्या है उसका मतलब, वो अपरिमेय, वो कैसी होंगी, वो अशांत होंगी। आप कहेंगे अशांत तो ये भी हैं और अशांत आप इसको ही बोले, नहीं ये अशांत होंगी, इसमें रिपीट नहीं होगा, बार बार एक से अंक नहीं आएंगे, जैसे 2.593647 ऐसे आ रहा है, अलग अलग अंक आ रहे हैं। तो ये कैसी है, ये अपरिमेय संख्या होती है। इससे अगली बात आती है, वास्तविक संख्याएं जिसे बोलते हैं हम रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, यदि आप मुझसे पूछें डेफिनेशन, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और उसके परिमेय और अपरिमेय देखो, देखा दाकी करो, तो सिंपल सी बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक हो जाए, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक हो गई वो वास्तविक है। जैसे तीन है, तीन का वर्ग करिए 9 आ गया, माइनस तीन है, इसका वर्ग करिए 9 आ गया,
आपने कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर धनात्मक नहीं आएगा? मैंने कहा अंडर रूट माइनस थ्री है, इसका वर्ग करो तो कैसा आ गया? माइनस तीन। इसका मतलब यह वास्तविक नहीं है, यह कैसी संख्या है? काल्पनिक इमेजनरी संख्या है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा टॉपिक में, जब आपने हाई स्कूल करी होगी तो वहां द्विघात समीकरण पढ़ा होगा आपने, और द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा कि विविक्तकर का मान जब जीरो से छोटा होता है, नेगेटिव होता है, तो काल्पनिक होता है। क्यों? क्योंकि विविक्तकर अंडर रूट के अंदर आता है। वहां आपको इतना समझाया गया, लेकिन यहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि कभी भी जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक हो वह संख्या कैसी होती है? काल्पनिक होती है। हाँ, देखिएगा योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम होता है यदि कोई संख्या ए है, कोई परमे संख्या, इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये जीरो हो जाए माइनस ए, तो कितना आ गया? जीरो। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? ए का माइनस ए। यदि माइनस का ए होता तो प्लस का ए, जिसको जोड़ने पर जीरो आ जाए, उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब सुनिएगा, यहां पर क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे ए है, इसमें कितने का गुणा किया जाए कि एक आ जाए? यदि ए है, आप इसमें 1/a का गुणा कर दें तो वो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया? ए का कितना है? 1/a। यदि 1/a है तो a होगा, यदि 3 है तो 1/3 होगा। अगला योगात्मक तत्समक, इसमें क्वेश्चन आ गया था, या योज्य तत्समक, योगात्मक तत्समक अथवा योज्य तत्समक होता क्या है? यदि a कोई परमेय संख्या है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि ज्यों का त्यों यही आ जाए, जीरो, यही आएगा। तो योज्य तत्समक क्या है? जीरो। क्योंकि किसी भी संख्या को ज्यों का त्यों लाने के लिए जीरो ही जोड़ना पड़ेगा। तो योज्य तत्समक या योगात्मक तत्समक क्या हो गया? जीरो हो गया। यहां पर गुणात्मक तत्समक मतलब किसी भी परमेय संख्या में कितने का गुणा करें कि ज्यों का त्यों आ जाए, एक का गुणा करिए तो ए आ जाएगा। तो इसका मतलब गुणात्मक तत्समक कितना होता है? एक। और योगात्मक तत्समक या योज्य तत्समक क्या होता है? जीरो। ये याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि योज्य तत्समक, 3 का योज्य तत्समक, किसी का भी योज्य तत्समक पूछे या योगात्मक तत्समक पूछे तो कितना होगा? जीरो। और गुणात्मक पूछे तो एक, और योगात्मक प्रतिलोम पूछे कभी भी तो ए है तो माइनस ए, और गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो ए है तो 1/a। देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थ्योरी हो चुकी काफी, अब जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, शून्य है। शून्य क्या है? शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ये न्यूट्रल है, ना धनात्मक होगा और ना ऋणात्मक होगा। क्यों? नंबर लाइन आपने देखी है, यहां जीरो आता है, इधर 1, 2, इधर -1, -2, तो इधर इससे इधर जो होती है वो धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या, जीरो के इधर जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब जीरो क्या है? जीरो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है? अपरमेय, जिसका रूट ना निकल पा रहा हो वो अपरमेय है। इसका रूट निकल जाएगा, इसका रूट, 2 का रूट नहीं निकलेगा, √2 एक अपरमेय संख्या होती है, तो ये अपरमेय हो गई। इसका देख लो निकल जाएगा, +-4 आ जाएगा, इसका +-5 आ जाएगा, तो किसका नहीं निकल पा रहा? 2 का। तो इसका मतलब ये क्या है? √2 एक अपरमेय संख्या है। अगला धन पूर्णांक, 8+4 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। देखिए ध्यान दीजिएगा, हर पूर्णांक में क्रमागत पूर्णांक हो तो उसमें कितने का अंतर होता है? एक का अंतर होता है। देखो एक क्या 2 आता है, 2 क्या 3 आता है, एक का अंतर होता है। यदि आपसे कोई कह दे कि x है तो उससे अगला क्या होगा? x+1 होगा। कह दे
x प्लस थ्री है, 2x प्लस थ्री है, मान लो 2x प्लस थ्री बोल दिया, उससे अगला क्या होगा 2x प्लस फोर, उससे पहला क्या होगा 2x माइनस 2x प्लस टू, ठीक है ना। तो देखिएगा बात को, तो इससे पहले वाला धन पूर्णांक क्या होगा 8 ए प्लस फोर है, तो इससे एक कम आएगा 8 ए प्लस तीन। अगला क्वेश्चन देखें, 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, मतलब कितनी हैं इसमें से, 0 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कुल कितनी होंगी, कौन सी नहीं कितनी होंगी, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, कितनी है, कितनी होंगी। देखिए 0 और 100 के बीच में ये होती हैं 25, कितनी होती हैं 25, आपको ध्यान रहना चाहिए। आपने कैसे, यदि आप कैसे आप लिख के दिखाओ तो देखना, एक तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो, फिर तीन, फिर आएगी पांच, फिर आएगी सात, फिर 11, फिर 13, फिर आ जाएगी 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17, फिर 19, फिर 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23, 24, 25 नहीं होगी, तो कितनी हो गई 25 तक में भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होती हैं, 0 से 25 के बीच में 9 होती हैं। अब 25 से आगे चलिए, हमें तो 100 तक देखनी है, अब कौन सी आएगी, अब आएगी 29, 29 का 31, 31 का 37, 37 का 41, 41 का 43, 44, 45, 46, 47, अब देखना ये 6 होनी चाहिए, 25 से 50 के बीच में कितनी होती है 6। अगला फिर देखिए, अब 50 से ऊपर आपको मालूम होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इसका एक नाम और होता है ऋणांक, ऋणांक और अभाज्य संख्या एक ही बात होती है, तो ये कितनी हुई 9 और ये 6। अब 50 से आगे देखिए, 51 नहीं 52 नहीं 53, 59, 61, 67, 71, 73, अब 74-75 भाज्य हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 होती हैं, ये आप याद रखिएगा, पहले 25 के बीच में 9, अगली 25 के बीच में 6, उससे अगली 25 के बीच में 6। अब 4 और होंगी, अब बस 75 से लेकर और 100 के बीच में होती है 4, कौन सी आएगी, 79, 83, 89 क्या 90 नहीं97, जिसमें किसी का भाग ना जाए 4। तो मतलब 0 और 100 के बीच में कितनी आ गई, 0 और 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा है, पेपर में पूछ दो आप ढूंढते थोड़ी रहोगे, कहते 0 से 25 के बीच में कितनी होती हैं, तो 9, उसके बाद कितनी होती हैं 25 से 50 के बीच में 6, 50 से 75 के बीच में 6, और 75 से 100 के बीच में 4, ऐसे याद रहनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 70 तथा 80 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी है, अब इसमें चुननी है कौन सी, 70 और 80 के बीच में, सब 70 और 80 के बीच में, अब देखिएगा 75 तो है नहीं, 75 तो भाज्य संख्या है, यहां आइए 73 अभाज्य है, और 79 भी कैसी है, अभाज्य है, ये अभाज्य है, आप जल्दी से नजर दौड़ा दिया करिए, सेकंडों में काम हो जाएगा आपका, आपने देखा 75 भाज्य है, ये भी 75 है भाज्य है, 77 11 का भाग चला जाएगा, 7 का भी चला जाएगा, ये भी भाज्य है, इसका मतलब कौन सी बच रही है, ये बच रही है दी। और वैसे भी आप देख लो कि कौन कौन सी आ रही है, 70 और 80 के बीच में देख लो, 73 भी आ रही है
और 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में बोल रहे हैं, 70 और 80 के बीच में क्या है, तो 70 और 80 के बीच में कितनी है? मैं ये देख रहा था कि 70 और 80 के बीच में 71 भी तो है, 71 यहां आ रही है, लेकिन 71 के साथ वाली जो है वो कैसी है, वो भाज्य है, तो इसलिए ये नहीं होगा। उस 70 और 80 के बीच में जो दोनों हो, तो कौन कौन सी है, 73 और 79। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x एक धन सम पूर्णांक है तो इसका अंतिम दो अंक होंगे, इसके अंतिम दो अंक किसके, यहां कर रहा हूं, यहां देखिएगा छठा क्वेश्चन यहां कर रहा हूं अभी, 8 की पावर 2x - 6 की पावर 2x के अंतिम दो अंक पूछ रहे हैं। अरे कोई सी भी सम संख्या लगाओ, सम लगानी है, x एक सम धन पूर्णांक है, सम दो भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 होता है, हम तो सबसे छोटा वाला लाएंगे, क्यों, छोटा लगाने पे हल कम करना पड़ेगा, और हमने 2 लगा दिया, तो जब 2 यहां लाऊंगा तो 8 की पावर 2 × 2 कितना है, 4, और यहां पे कितना है, 6 की पावर कितना जाएगा, 4। बिल्कुल बात क्लियर है। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए यदि आप ध्यान दें, ये 8 के वर्ग का वर्ग लिख सकता हूं, और ये 6 के वर्ग का वर्ग है कि नहीं, यही तो है ये। अब 8 का वर्ग होता है 64, जल्दी करने के लिए कर रहा हूं, और ये 36 का होल स्क्वायर, और दो संख्याओं का होल स्क्वायर आपको सिखाया गया है डायरेक्ट, 64 का वर्ग कैसे खोला जाएगा, सबसे पहले 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग 16, 1 हां से, फिर इन दोनों का गुणा करिए, 6 चौक 24, 24 दूनी दुगना करिए, 24 दूनी 48, 48 और 1 49 का 9, 4 हासिल, और 6 छिंग 36 और 4 40, इसका वर्ग यही आएगा, या आप 8 का 4 बार गुणा कर लें तब भी यही आएगा। तो टाइम नहीं बताना कि आप 8, मैं तो कर दूंगा, 8 × 64, 64 × 8 = 512, और 512 का 8 में गुणा करना है, तो मैं तो बड़ी जल्दी कर दूंगा, आपने कैसे 512 का 8 में करना है, तो 8 का मैंने 5 में गुणा करा, 8 × 5 = 40, लेकिन 5 का अंक कौन सा था, इकाई दहाई सैकड़े का था, तो मतलब 2 जीरो बढ़ाने, 40 मतलब 4000 हो गए वो। अब मैं क्या करूंगा, 512 था, 12 का 8 में गुणा, 12 × 8 = 96, 4000 वो, 96 ये, 4096 बिना लिखे पढ़े हो सकता है। यहां आइए, इसका 36 का खोला फिर दोबारा, मैं खोलता कैसे हूं मैं आपको बताऊं, ए बी का स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं बी स्क्वायर, फिर लिखता हूं 2ab, जो हासिल आएगा वो इसमें 2ab में जुड़ेगा, उल्टा करना शुरू करता हूं, फिर a का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल लो, अब फिर खोलता हूं, देखो आप ध्यान से देखो, b इधर वाला है, 6 का वर्ग 36, 3 हासिल, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, और 3 हासिल कहते 36 और 3 = 39, 3 हासिल, अब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, घटाओ 96 में से 96 गए 00, 10 में से 2 गए 8, और 3 में से 1 गए 2, अंत के 2 अक्षर पूछे थे, वो तो मैं 96 96 गए 00 में बोल सकता हूं, ये आ गया आंसर, मैं तो पूरा घटा के आपको दिखलाया है। इस प्रकार से यदि आप इसको सॉल्व करना चाहो वो भी हो जाएगा, लेकिन वो सब लंबे तरीके क्यों सीखें, उसने कहा एक से सम धन पूर्णांक है, सबसे छोटा सम संख्या लगा दी और हल कर दिया। यदि आपका ब्रेन बहुत तेज काम कर रहा है तो आप यहीं पे खोल लिया डायरेक्ट, जैसे हमने 8 की पावर 4 और 6 की पावर 4 डाटा है, अंत के 2 अंक देखने हमें, तो उसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है। आपको खोलने का और तरीका बताऊं, 8 की 4 खोलना है, 8 × 64 64 × 8 = 512, अब 512 में जब 8 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 12 है, और 12 का 8 में गुणा करेंगे तो 96, आगे वाले से मतलब ही नहीं हमें। इसी प्रकार 6 छिंग 36, 36 छिंग 216, अब 16 लास्ट में 216 का मतलब 16 लास्ट में, और 16 का 6 में गुणा करना है, 16 छिंग 96, 16 छिंग 96, 96 96 गए 00, यही आएगा 00, ये रहा। अगला देखिए, कौन सी धनात्मक संख्या गुणात्मक पतलों में, गुणात्मक पतलों होता क्या है, पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए, गुणात्मक पतलों मैंने आप इससे पहले भी मैंने थ्योरी बताई है, यदि ए है तो उसका गुणात्मक पतलों 1/a होगा,
यदि पांच है तो उसका गुणात्मक मतलब एक बटे पांच होगा, मतलब जिस उसका गुणा करने पर एक आ जाए। यदि माइनस तीन है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस एक बटे तीन होगा, माइनस तीन से माइनस तीन कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहां पर कितना है, एक जो है वो स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों, एक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करोगे तो एक बटे एक ही तो लिखोगे, तो एक ही तो हुआ ये भी, तो एक स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यह आ गया आंसर। माइनस दो का निरपेक्ष मान क्या होगा, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। माइनस दो का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान होता क्या है पहले तो यह बात समझे। मॉड एक्स है, मॉड एक्स बराबर होता है माइनस एक्स, और यह प्लस का एक्स भी होता है। यह होता है जब एक्स इज लेस देन जीरो, और यह होता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि हमें पॉजिटिव देना है, जब जीरो से छोटा है, माइनस का तीन है, यहां लगाओ माइनस का तीन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो जीरो से छोटे के लिए कैसा होता है मॉड एक्स माइनस का एक्स होता है, और जीरो से बड़े के लिए कैसा होता है प्लस का एक्स होता है। यदि प्लस का तीन है तो तीन ही आएगा, तो इसका मतलब मॉड निरपेक्ष मान होता है कि जो भी मान दे रखा है उसको पॉजिटिव कर दो आप, तो निरपेक्ष मान हो गया, माइनस दो का निरपेक्ष मान दो होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1000 होती है, देख लो आप, इससे छोटी हो ही नहीं सकती, सबसे छोटी है। फिर क्या कहता है, तथा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 का 100 आता है, 99 दो अंक की है और 100 तीन अंक की हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की होती है 99, बड़ी संख्या का अंतर, अंतर का मतलब घटा दो, 1000 में से 99 घटाओगे तो 901, आंसर 901। अगला ये, अगला क्या कहता है, 4/5 का योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम, कभी भी योज्य शब्द आ जाए योज्य प्रतिलोम आ रहा है, योज्य प्रतिलोम कभी भी लगे, प्रतिलोम का तो मतलब है 1/ गुणात्मक प्रतिलोम, लेकिन योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, यहां पर जो भी चिन्ह लगा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह कर दो, यहां पॉजिटिव 4/5 है तो नेगेटिव 4/5, इन बातों में ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि वो लग जाए कि आदमी प्रतिलोम शब्द पढ़े तुरंत उल्टा कर दे 5/4, या कर दे कि योज्य भी और प्रतिलोम भी है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा कर दो और चिन्ह भी बदल दो, नहीं, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है खाली चिन्ह को बदलना है। अगला, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, आप देखिए किसका वर्गमूल आपको खटाक दिखाई दे रहा है, 16 का वर्गमूल दिखाई दे रहा है, निकल जाएगा, तो यही परिमेय, देखो ये भी अंडर रूट नहीं हट रहा, अपर में ये बटे में, इससे रूट दो बार कट जाएगा, अपर में पाई कई संख्या है, पाई एक अपर में संख्या है, परंतु 22/7 की संख्या है पर में, पाई अपर में, क्योंकि पाई के दशमलव का आसान दशमलव है, और पॉइंट के बाद में जो अंक आते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते, बदलते रहते हैं। आ गया ये, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है आपसे 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग 25 है, ठीक है समझ में आ गई, और उनका गुणनफल 100 है। अब आप सोचिए कौन सी दो संख्याएं आप मान सकते हैं जिनका योगफल तो 25 हो जाए और गुणनफल 100 हो जाए, डायरेक्ट करने, हिट एंड ट्रायल रूल आप करने को, इससे बहुत लंबा भी हो जाएगा, मैं वो भी करके दिखाऊंगा। हमने मान लिया 5 और 20 या 20 और 5, कोई सी मान लो आप, इन दोनों का योगफल देखो कितना है, 20 और 5 25, और गुणनफल 20 पंजे 100। अब उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/5 + 1/20, 20 लघुतम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 5 + 20 20 + 20, 5/20 1/4, कितना योगफल आ गया 1/4। लेकिन यदि आप इसको करना चाहो, आपने दो संख्या मान ली x और y, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको 25, उनका गुणनफल कितना दे रखा है xy बराबर 100, आपको यह बात पता होगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, आप खोल के देख लो ये दोनों बराबर आएंगे। अब x प्लस वाई के लिए कितने 25, 25 का वर्ग कितना हो गया 625, माइनस ये कितना है 100, 100 चौक 400 और 225, और x माइनस वाई वाला कितना आ गया 15। अब ये एक और ये दो जोड़ो, एक और दो को जोड़ोगे तो y और y कट जाएंगे, 2x = 40, x = 20,
एक्स का मान 20 यहां लगा दो, 20 को इधर ले आओगे, वाई वाला कितना आ गया 5, एक्स का मान 20 और वाई का मान 5, 20 और 5, 5 20 लिख लो चाहे 20 5 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसके क्या करना था, व्युत्क्रमों का योगफल, वो तो मैंने व्युत्क्रम का यहां करा है। ओके देखिएगा 14th क्वेश्चन, यदि कोई दो अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती हैं तब उनका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा योग हमेशा पूर्णांक होगा, कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, योग हमेशा शब्द बोला है। पूर्णांक वैसे हो सकता है कि पूर्णांक हो जाए एक रूट तीन हो और एक माइनस के रूट तीन हो, इसको जोड़ूं तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, तो पूर्णांक आ गया, पूर्णांक आ चुका। लेकिन हमेशा बोल रहा है, हमेशा तो नहीं होगा, यदि एक रूट तीन है एक रूट दो है तो जीरो कैसे हो जाए, तो हमेशा नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय हो सकता है, होगा, लेकिन यदि रूट तीन और माइनस रूट तीन आ गया तो जीरो भी तो आ जाएगा, तो परिमेय हो गया, तो इसका मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, ये सी आंसर इसका सही होगा, परिमेय भी हो सकता है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ योग परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी, इसमें क्या कह रहा था हमेशा, इसमें कह रहा हमेशा, इसमें कह रहा हमेशा नहीं, यदि ये कहता कि योग पूर्णांक हो सकता है, हो सकता है, होगा, वो भी सकता है, सकता है, तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा, योग परिमेय या अपरिमेय। यहां ये संख्या के लिए निम्नलिखित कथन में से किस नियम के आधार पर सही है, कौन सा नियम है, देखिए यहां गुणा का निशान लग रहा है ब्रैकेट से पहले, और देखना गुणा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, देखो तो इसको बोलते हैं गुणा का वितरण नियम, वितरण हो रहा है, सब पर वितरण हो रहा है, तो इसे बोलते हैं गुणा का वितरण नियम, कहां पर है, खाली वितरण नियम दे दिया, वितरण नियम, कौन सा नियम है, वितरण नियम। अगला, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणक, यदि पहली संख्या सम है तो सदैव भाज्य किससे होगा, सदैव किससे भाज्य होगा, देखिएगा, तो हम इसमें एक काम करें, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणक यदि पहली संख्या सम है, यदि आपको यह करना है कि हमेशा उससे भाग चला जाए, तो सबसे छोटी संख्या मानिए सम, सबसे छोटी सम होती है दो, अब तीन क्रमागत संख्याएं, तो दो के बाद क्या आएगा तीन, और तीन के बाद क्या आएगा चार, क्या कह रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं गुणा, इसका गुणा कर लें आप, कितना आएगा चार तीन बारह दूनी 24। अब इसके अलावा आप कोई सी मान लो, आप 24 का भाग तो जरूर जाएगा, इससे कम नहीं आ सकता ये गुणक, इस क्वेश्चन के हिसाब से, यदि आपने पहली चार मान ली सम, तो अब लगातार संख्या ऐसे आएगी चार पांच छह होगी, अब छह पंजे तीस चौक 120, इसमें भी 24 का भाग चला जाएगा, तो हमें निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था, कि सबसे छोटी सम मान ली, हमने सम माननी थी, तो सबसे छोटी सम क्या होती है दो, तो दो से लगातार संख्या ले ली, तो जो आएगा वो सबसे छोटा आ जाएगा, तो इसका भाग तो हमेशा जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा इसमें 24। अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है 17, 17 के लिए काम करते हैं, इसको यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया, ये देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4/5 और 7/13 के बीच में, 4/5 और 7/13 के बीच में देखनी है, हमने इसका भाग करा कितनी बार जाएगा, पांच का जब इसमें भाग करूंगा 4/5 है, अरे तो 0.8 आ गया, 0.8 5/48 0.8 आ गया, और इसमें भाग करूंगा तो 0 लाऊंगा, 13/5 65 बचे 5 और 13 3 39 क्योंकि 13 54 होता है, मतलब 0.8 और 0.53 के बीच में हूं। अब देखना जरा यहां पर 1/2 है, 1/2 होता है 0.5, क्या इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये 0.5 से बड़ी है और ये 0.8 तक है, 0.5 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका 0.5 इसके बीच में नहीं आ रहा, 2/3 क्या इसके बीच में आ रहा है, कितना ये 2/3 0.6 ये इसके बीच में आ रहा है। अगला देखा 3/4 ये आएगा 0.75
ये भी इसके बीच में आ रहा है, 5/7 7 × 7 49 7 × 7 ये भी इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर मध्य स्थित नहीं, मध्य स्थित नहीं है, क्योंकि चारों तीन आंसर थोड़ी होंगे, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। कौन सा स्थित नहीं है? ये 0.5 से भी छोटा है, इसके बीच में तो नहीं आएगा। ये 0.8 से लेकर और ये 0.53 तक है, तो इसके बीच में क्या 0.5 आ जाएगा? नहीं आएगा। 0.5 ये 53 पैसे और ये 50 पैसे, तो 53 पैसे से कम ही तो आएंगे, इधर ही तो रह जाएगा, तो इसके बीच में नहीं आएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। वहां क्वेश्चन क्या कहता है? 24, 99, 84 क्रमान्वयी संख्याओं का एक गुणक, क्रमान्वयी संख्या का गुणक हो सकता है, किन क्रमान्वयी का हो सकता है? क्या कहता है? 3 विषम संख्याओं गुणा, 3 सम संख्याओं गुणा, 3 क्रमान्वयी संख्याओं विषम संख्या और 3 क्रमान्वयी संख्याएं, किसका होगा? हमने इसके फैक्टर करने की कोशिश करी। सबसे पहले आप इसी से पहचान सकते हैं, देखिएगा 24, 99, 84 क्या है? इसके फैक्टर करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 2 बार, 4 × 2 = 9, 6 × 2 = 6, 2 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, ना जाने का 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 × 3 = 21 और 7 × 7। अब नहीं हो रहे इसके फैक्टर। अब हमें क्रमानुयायी संख्याएं बोल रहा है, वो कौन सी बोल रहा है? क्रमानुयायी संख्या। जरा देखिएगा इसके कुछ फैक्टर आप सेट कर सकें, 7 × 3 = 21, 21 कुछ पहला 7 × 3 = 21, 21 ठीक है, 21 लिख लिया, और 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24 और 2 × 4 = 8 × 16, नहीं बन रहा कुछ भी। यदि मैं यहाँ ध्यान दूँ, बनाने को तो मैं बना दूंगा, इसमें एक आंसर दे रखा है 3 सम संख्याएं, सम तो बन जाएंगी, ये 7 × 3 = 21 = 42 बना दिया, ऐसे बनाना चाहो तो बना, और 3 × 2 = 6 × 12 कुछ बना लो, और 2 × 4 = 8 × 16, 3 सम संख्याएं आ गई। लेकिन जरा इसको जरा और गौर से देखिए, कुछ और बने तो, यदि कोशिश करी जाए, 31 × 62, अच्छा 31 भी तो रह गया, अभी हमने 31 छोड़ दिया है, 31 × 2 कितना आ गया? 62 आ गया, 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 63 आ गया, और ये कितना आ सकता है? 63 और 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 आ तो गया, आ गया 7 आ गया, 31 × 62 और 7 × 3 = 63 और ये 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, ये नहीं होगा। उसने क्रमानुयायी में पूछा था कैसी होंगी, तो कैसी संख्या आ रही है? 62, 63 और 64, और 62, 63 और 64 है, तो 3 कैसी संख्या हो गई? क्रमानुयायी संख्या, ये विषम भी नहीं है, सम भी है, तो इसका आंसर होगा डी, 3 क्रमानुयायी संख्या होंगी। इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद आइए 19 पर, 19, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरमेय है? देखिएगा जिसका वर्गमूल ना निकल रहा हो, सीधे एक सेकंड में सोचने का, 27 है, 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या है? अपरमेय देखिए किसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा, 27 है, 3√3 हो जाएगा, अरे मैं इसके फैक्टर करूंगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 1, 3 बाहर आ गया, √3 बच गया, क्या √ भाग गया? नहीं भागा,
तो इसका मतलब कैसी संख्या आई है अपर में, आप पर में चेक करो, इसका वर्गमूल आ जाएगा 0.3, इसके में से पॉइंट हटाऊंगा, दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे और नीचे 3 से 9 वर्ग कट जाएगा, 100/9 10/3 हो जाएगा, ये भी पर में है, इसका 1/2 आ जाएगा, ये भी पर में, तो कौन सी अपर में, ये। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये देखते हैं जो चीज पूछ रहा है अपर में, पूछ रहा है अपर में, देखने का तरीका किसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा उसी को दे दिया। अब कहता है इसमें से कौन सी पर में है, पाई एक अपर में संख्या है, ये भी पर, ये भी अपर में है, तो कौन सी अपर में, वो कौन सी पर में, ये अपर में, ये भी अपर में, कौन सी पर में, 22/7 पर में है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने संख्या पद्धति खत्म करी है, आप इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही आपको मिल सकते हैं, योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, तो एक एक बात को बारीकी से देखिए, क्वेश्चन देखने में छोटे जरूर हैं लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वही पेपर में परेशान करते हैं, तो आप योज्य गुणात्मक ये सब प्रतिलोमों पर ध्यान देंगे। तो अब अगली वीडियो देखेंगे, इसके बाद में अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।